आज हम देखने वाले बी आर टैग इन एच टी एम एल। बी आर टैग का फंक्शन क्या है? तो हम जहाँ भी हमारे कंटेंट में बी आर टैग लिख लेते हैं वहाँ से वो लाइन को कट करता है, लाइन को ब्रेक करता है, और बी आर टैग के बाद में जो हमारा टेक्स्ट है वो एक न्यू लाइन में आ जाता है। तो चलो हम देखते हो किस तरह वर्क करता है। उसके लिए सबसे पहले हम अपने वी एस कोड को ओपन करते हैं। एक न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें कोड चाहिए, इसके लिए हम इसको HTML कोलन फाइल लिख के एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब हमें जो भी हमारे वेब पेज में चाहिए वो हम यहाँ बॉडी सेक्शन में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पी टैग यूज करके एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 50 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखा है, तो उसको मैं ये सभी एक ही लाइन में आ चुका है। तो हमने यहाँ पे पहले भी देखा था कि इसको हमें व्यू अच्छा चाहिए, तो हमें यहाँ पे व्यू पे जाके यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप करना है। देखिए वैसा करने से इसका व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। तो सबसे पहले हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि कैसा आया है। ओके, हमने सेव ही नहीं किया, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। हो गया है अभी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ आ चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ सिर्फ यहाँ तक एक लाइन चाहिए और यहाँ से हमें दूसरी लाइन में चाहिए आगे का टेक्स्ट। तो उसके लिए हम बी आर टैग को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलिट के बाद में यहाँ पे एक बी आर टैग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें एक स्मॉल देन लगाना है, देन बी आर लिखना है एंड देन ग्रेटर देन का साइन लिखना है। तो हम इसको अभी सेव कर लेते हैं और हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिट के यहाँ तक एक लाइन में आ चुका है और यहाँ से लाइन ब्रेक हो चुकी है और उसके बाद में जो भी टेक्स्ट था वो एक सेकेंड लाइन में आ चुका है। तो अगर आपको यहाँ पे एक पूरी ब्लैंक लाइन चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको स्पेस चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे और एक ब्रेक टैग को यूज़ कर सकते हैं। आपको जितनी भी लाइन स्पेसेस चाहिए उतने आप ब्रेक बी आर टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं एंड हम इसका रिजल्ट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक पूरी लाइन ब्लैंक आ चुकी है। मतलब क्या, हमें जहाँ से भी लाइन ब्रेक करनी है वहाँ पे आपको बी आर टैग का यूज़ करना है। और अगर आपको पूरी लाइन भी चाहिए स्पेस, ब्लैंक स्पेस चाहिए, ब्लैंक लाइन, तो भी आप उसे बार बार बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलाइट के बाद में हमने जो एक बी आर टैग यूज़ किया है वो उस लाइन को ब्रेक कर रहा है और उसके बाद में हमने और एक बी आर टैग का यूज़ किया है वो भी उस लाइन को ब्रेक करके फिर एक बार नीचे आ रहा है। मतलब हमें एक पूरी ब्लैंक लाइन मिल रही है। इस तरह अगर आपको कोई भी लाइन ब्रेक करनी है या फिर आपको कर्सर न्यू लाइन पे लाना है वेब पेज में, अगर आपको एक पूरी ब्लैंक लाइन चाहिए, तो आप बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं।